और जब सरकारी कर्मचारी 58 साल का रिटायर हो जाता है तो बुढ़ापा पेंशन 60 साल में उसकी 58 साल से देंगे और महिलाओं को 55 साल से, क्यों ज्यादा काम करती हैं जल्दी बूढ़ी हो जाए वो। सही बात है नहीं सर? तो आपके महिलाओं का खास ख्याल रखेंगे, जो गरीब परिवार है, बीपीएल की परिवार है, महिलाएं जो चौकी चूल्हा चलाती हैं उनको बहुत तकलीफ होती है, वो इंतजार देखती रहती है एक एक पैसे के लिए। तो भाई उन महिलाओं के नाम सीधा अकाउंट खोलेंगे, हर महीने 2000 रुपए उस महिला के नाम भेजेंगे। और हमारी बहन बेटियां महिलाएं हैं, किसी को अपने घर जाना होता है, किसी को अपने ससुराल जाना होता है, तो उनके लिए भाई हरियाणा रोडवेज का किराया माफ। और जो हमने स्कीम चलाई थी गरीब आदमी के लिए, दलित के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, उनके बच्चों का वजीफा चलाया था, दाल रोटी की स्कीम चलाई थी, वो खत्म कर दी इन्होंने। जो उनका बच्चा हरियाणा में पहली दफा से हमने जमा वो उनका वजीफा शुरू किया था, उसमें भी घोटाला कर दिया। घोटाला सरकार है ये, घोटाले पे घोटाला, और उसमें भी गड़बड़ कर दी इन्होंने। हमारी सरकार आएगी तो दलित शेड्यूल कास्ट का जो भी बच्चा सरकारी स्कूल में पहली जमात में दाखिल होगा उसी दिन से उसको साल 10वीं तक साल के 12000 रुपए देंगे, 1000 रुपए महीना। और 10वीं से 12वीं 15000 रुपए साल के देंगे ताकि उनके ऊपर बोझ ना पड़े। ये आपके सामने है। और जो बेरोजगारी, जो हमारा प्रदेश प्रति व्यक्ति आय में 2014 में प्रति व्यक्ति निवेश में विकास में नंबर एक छोड़ के गया था, मैं एक नंबर था पूरे देश में, आज किस चीज में एक नंबर है भाई पता है आपको? ये मेरे नहीं, सरकारी आंकड़े हैं। आज हरियाणा अपराध में नंबर एक है, आज हरियाणा बेरोजगार में नंबर एक, बेरोजगारी में, जो बेरोजगारी की दर 2.8 थी हमारे समय में, वो बढ़कर आज 28.7 हो गई, 10 गुना बेरोजगारी बढ़ गई। और ये तमाशा करते हैं, नौकरियां कहते हैं नौकरियां लगाई। हरियाणा पहला प्रदेश है जिसका कमीशन का चेयरमैन सस्पेंड हुआ हो, ऑडियो पकड़ी गई हो, नकद लेते पकड़े गए हो, जो आज भी अंदर है। नौकरियां बेची हैं जैसे परचून की दुकान होती है ना, एक पेपर बता दे जो लीक ना किया उन्होंने, एक पेपर बता दे किसी चीज का, क्यों करते हैं भाई ये लीक? नकदी लेने के लिए लीक कर। दूसरा, अभी इन्होंने क्या कहा कि हमने 18000 नौकरियां लगाई हैं, पारदर्शिता से इंटरव्यू नहीं लिए। ठीक बात है, लेकिन कौन थे वो, कौन है जो हमारे बच्चे इंजीनियर हैं, एमए हैं, पीएचडी हैं, बीकॉम हैं, एमकॉम हैं, एमबीए हैं, उनको क्या लगाया भाई? हैं? चपरासी, बेलदार, पानी पीने वाला, अरे हैं? हाँ पानी पिलाने वाला। मैं भिवानी गया रेस्ट हाउस में, 5 आदमी आए मेरे पास और मेरा शर्म से सिर झुक गया। तब उन्होंने कहा जी बड़ी जागती हो रही है। मैंने क्या हो गया भाई? बोला हम तो आए थे रेस्ट हाउस में, हमने कहा भाई पानी पिला दो, तो बोला एक लड़की जो एमए पास है वो पानी लेके आई। हमारे को शर्म आई, हमने आज और कहा बहन बेटी हम अपने आप पी लेंगे पानी। इतना भद्दा मजाक किया, उससे दोहरा नुकसान किया बेरोजगारों का मजाक किया। जो गरीब बच्चे हैं जो 10वीं 12वीं से नहीं ज्यादा पढ़ सके वो तो लगे नहीं, जो वो लगने चाहिए थे वो वंचित रह गए, और जो लगा दिए वो अपमानित हो गए। और उसी वजह से मैंने कई बार कहा है सरकार को भाई मेरे को सफेद पत्थर जारी करो, कितने बच्चों ने ज्वाइन किया है, आधे से ज्यादा ज्वाइन ही नहीं कर, अपमानित हो गए। जहां पढ़े लिखे की एक बात बताओ, अगर इंजीनियरिंग करके पीएचडी या एमए करके बच्चे को चपरासी लगाना है
तो कौन सा मां बाप होगा जो अपना पेट काट के बच्चे को पढ़ाएगा भाई? वो कहता मुझे लगना है चपरासी इंजीनियरिंग करके तो इसके लिए तो ये इनका रवैया। आज मैं कह सकता हूं कि जो नौकरी की बात जहां तक है बड़ी वो की है, बेरोजगारी बढ़ गई है। हम वादा करते हैं आपसे, जो कहते हैं वो करते हैं, पहले कह के जो कहा वो किया। एक भी बात बता दो जो हमने कहा और नहीं हुई हो। आज भी ये कह के जा रहा हूं जो मैंने कही है पहले वो भी, और अब भी बेरोजगारों का जहां तक सवाल है, बेरोजगारों को एमए और बीए जो हमारे पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको या तो रोजगार देंगे हम या बेरोजगारी का भत्ता देंगे, और परिवार में एक एक रोजगार सारे परिवारों में लगे एक एक। बेरोजगारी का भत्ता जो एमए हैं उनको हम 10,000 रुपया प्रतिमाह देंगे जब तक नौकरी नहीं लगेगी उसकी, और जो बीए हैं उनको हम 7,000 रुपया प्रतिमाह देंगे हम जब तक नौकरी नहीं लगेगी। और दूसरा जो आपका कहते हैं स्वच्छ हरियाणा, लेकिन सफाई कर्मचारी ठेके पे लगाते हैं सर बहुत, आपको याद होगा एक कलम से 11,000 सफाई कर्मचारी लगाए थे ना मैंने, याद होगा आपको है? आज हमारी सरकार बनेगी एक कलम से 50,000 सफाई कर्मचारी लगाएंगे, 35,000 गांवों में और 15,000 शहरों में लगाएंगे आप। इसी प्रकार से सरकारी कर्मचारी जो हैं उनको भाई पंजाब का वेतन समान देंगे, और जो सेवंथ डे कमीशन का है पहली जनवरी से देंगे, पूरा देंगे जो उनका बकाया है वो देंगे, और ओल्ड पुरानी पेंशन लागू करेंगे। अजय भाई सरपंच हैं, कमेटी के चेयरमैन हैं, मेंबर हैं, सरपंच का 10,000 और कमेटी का भाई 20,000 हम देंगे ताकि बड़ी कमेटी होगी, और मेंबरों का भी देंगे बढ़ाएंगे। सारी लंबी कहानी है ये देंगे हमने। नंबरदारों को भी 6,000 रुपए देंगे, चौकीदारों को 8,000 देंगे, ये तो हमारे काम करने वाले हैं भाई, इनको वो देंगे। पर इन्होंने जो तमाशा बना रखा है ना, क्या आपने सुना होगा, अभी चुप हैं 10-15 दिन के लिए, अगर इनकी फिर सरकार आ गई फिर देखना आप किसने खाल उतारेंगे। अरे मोटरसाइकिल 15,000 की, जुर्माना 25,000, ट्रैक्टर 60,000 का, जुर्माना 1,00,000, ये तमाशा बना रखा है। तो ऐसा हम नहीं होने देंगे भाई है? हाँ तो ये नहीं होने देंगे, इसको भी हम रद्द करेंगे। और आज मैं आया हूँ आपको खास तौर पर कहने, बाकी सारा घोषणा पत्र है उसमें गेस्ट टीचर का भी है, आंगनबाड़ी का भी, सारों का है, सबका हमारा चर्चा है। जो हमने ही लगाए थे भाई वो उनको पक्का करेंगे, हम इनकी तरह झूठ नहीं बोलेंगे। खैर वो तो और बहुत सारी बातें हैं, कच्चे जितने कर्मचारी उनको पक्का करेंगे, तो ये आपके सामने है। लेकिन मैं आज खास तौर पर आया हूँ भाई यहाँ आपसे एक निवेदन करने, 36 बिरादरी एक होकर, सब एक होकर, जो हमारे भाई दीनू राम जी है ना बहुत अच्छा नुमाइंदा है, ये बहुत हाका फूक की लड़ाई लड़ता है, बहुत आपका विकास कराता है, उसके लिए निवेदन करने आया हूँ भाई। अच्छी सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी, और दीनू राम खाली विधायक नहीं रहेगा, कांग्रेस की सरकार बनाएगी। विधायक बना के भेजना आपकी जिम्मेवारी है, और सरकार में हिस्सेदारी कराना मेरी जिम्मेवारी है आपके लिए। बोलो बनाओगे? हाथ खड़े करके बता दो। बहुत बहुत धन्यवाद।